अविका और ये है आन्या। वेलकम टू आवर चैनल अवान्या टीवी। तो आज मैं सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने दोस्तों को शेयर किया। तो ऐसे ही फ्यूचर में करते जाइएगा और आज का वीडियो एंजॉय करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। तो हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक नया वीडियो बनाओ इस टॉपिक के ऊपर। तो हम इस टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आ गए हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, लेकिन हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और इसको पूरा जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बैम्बू से बना हुआ बेंच है, ये यहाँ के लोगों ने बनाया है। तो ये यहाँ लोग, ज्यादा लोग यहाँ पर बैम्बू की चीजें ही बनती हैं, इन बैम्बू का खाना भी बनता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। आन्या, हम कहाँ रहते हैं? हम लोग स्वर्ग में रहते हैं। हम लोग स्वर्ग में रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं। आई फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ रहते हैं। वो देखिए, स्वर्ग। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा प्यारा सा गांव। वो बहुत सुंदर है और वो किसी स्वर्ग से तो कम बिल्कुल नहीं है। वो बहुत सुंदर है, हम आपको जूम करके अभी आपको उसको दिखाते हैं। तो देखिए उधर। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, ये स्वर्ग है। वो गांव शायद आपको अच्छे से ना दिखा हो क्योंकि अभी शाम हो गई है और कैमरा में अच्छे से दिखा ना हो, तो कोई बात नहीं, शायद बाद में हम आपको दिखा दे उसके बारे में। तो ये स्वर्ग में रहना तो अच्छा है, लेकिन अब बहुत परेशानियां भी हैं। हम जहाँ रहते हैं वो बुरा भी नहीं है, बहुत सुंदर है। फोटो में दिखने में लगेगा वाओ हम कितनी सुंदर जगह रहते हैं, और हाँ हम वहीं पर रहते भी हैं। वो जो आपने अभी व्यू देखा, हमारे घर इधर ही है, उसके पीछे बस इतना सुंदर व्यू है। तो आप बता ही सकते हैं कि ये पूरे शहर में कितना सुंदर व्यू होगा, गेस करिएगा। तो अब हम आपको वो सारी परेशानियां बताएंगे जो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी हिल स्टेशन में। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर स्वर्ग में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इतनी खराब रोड हो जाती है बारिश के समय, तो यहाँ पर स्लाइड्स आ जाते हैं, लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं यहाँ पर समय समय। ये जो घास देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर सांप घूमते रहते हैं, बड़े बड़े सांप। और अगर जैसे हमने शूज पहने हुए हैं, प्रॉपर शूज पहने हैं, स्पोर्ट शूज, लेकिन कोई भी इंसान बिना शूज के ऐसे ही आ जाए, 10 मिनट खड़ा रहे, इतने सारे जोंक उनके पैर में लग जाएंगे कि आप क्या करो, कुछ नहीं बोल पाओगे। और उनको इंग्लिश में लीच भी कहते हैं। तो यही परेशानी हम सहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं कि सर के ऊपर कुछ चमगादड़ कितने सारे घूम रहे हैं। देखिए सारे चमगादड़, आपको लग रहा है चमगादड़ नहीं है तो अच्छे से देख लीजिए, चमगादड़ ही है। अब आप आनिया को देखिए, गुस्सा होके बैठ गई है, पता नहीं क्या हुआ, वीडियो नहीं बनाना है। मुझे वीडियो नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मुझे मन नहीं कर, बोर हो गई।
ओह बोर हो गई, अब क्या करें? क्या करें? बोलो क्या करें? सो जाओ। यहाँ सो जाओ? हाँ। बैठ ले क्या? चमकादर से सो जाओ। चमकादर? चमकादर तो धीरे से गायब हो रहे हैं, लेकिन आप भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा देखा, हम वीडियो में यहाँ की खूबसूरती को नहीं दिखा पा रहे थे, तो हमने यहाँ के कुछ पिक्चर्स वीडियो में ऐड कर दिए हैं, जो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है अरुणाचल प्रदेश। ये किसी फॉरेन से कम नहीं है, हम फॉरेन घूमने जाते हैं, पर इंडिया में भी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जो किसी फॉरेन से कम नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप और भी अरुणाचल प्रदेश के कल्चर को और यहाँ के बेस्ट प्लेसेस को देखना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम वीडियो बनाएंगे उस पर और आपको दिखाएंगे। ये देखिए, शाम हो रही है और ये शाम के वक्त के पीछे पहाड़ हैं, ऊपर बादल है, कितना सुंदर लग रहा है ये बादल। तो प्लीज़ अवानिया टीवी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो इन्हें बताइएगा। घर के अगल बगल जितनी खूबसूरती है वो भी नहीं दिखा पाई क्योंकि अभी शाम हो गई है काफी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तभी मैं आपको बहुत सारे सुंदर व्यूज भी दिखाऊंगी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अवान्या टीवी। मेरी बात नहीं सुनोगे तो आन्या की तो सुनोगे ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। Bye!